हाँ जी, आज स्टूडेंट्स बहुत कम है। सैटरडे, एंजॉयिंग सैटरडे। पहले तो ये ट्यूट पहले दो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, फिर अगर मुझे लगेगा स्टूडेंट ज्यादा हैं तो मैं 3D का न्यूमेरिकल कराऊंगी। तो पहले, सबसे पहले 2D के दो न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं। वी हैव टू परफॉर्म रिफ्लेक्शन of an object about the line y is equal to x. ये numerical मैं discuss करूंगी और एक numerical मैं आपको करने के लिए भी दूंगी। One second, stop. हाँ जी, so y is equal to x is a line that passes through the origin. One second. ओके, सो दिस लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, है ना। और दूसरा, अगर y इज इक्वल टू x को मैं कंपेयर करती हूँ लाइन की इक्वेशन से, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी से, तो मेरे पास स्लोप क्या आती है? 1, और इंटरसेप्ट क्या आता है? 0। ये चीज हमें अंडरस्टूड है कि दिस इज माय इक्वेशन फॉर द लाइन। इफ आई एम कंपेयरिंग दिस विद दिस, इसका मतलब स्लोप 1 है, इंटरसेप्ट 0 है, because this can be written as x plus 0. This is the first option click karunga. So fir this is like this. Yahan tak koi doubt? No ma'am. Kya? Isme koi doubt hai? Ab uske baad हमें पता है कि स्लोप 1 है, तो टैन थीटा इज इक्वल टू स्लोप, दैट मींस इट इज इक्वल टू 1, तो एंगल दैट द लाइन इज मेकिंग इज 45 डिग्री। तो जो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है उसका इंटरसेप्ट 0 है एंड इट इज मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द ओरिजिन, इतना विद द एक्स एक्सिस, सॉरी। सो द लाइन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री and the intercept is 0, 0, that is origin.
अब हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज व्हेन वी परफॉर्म रिफ्लेक्शन, तो हमें फॉर्मूला 2D में किसका पता है, रिफ्लेक्ट अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी गिवन लाइन है उसको हम आइदर एक्स एक्सिस पे लेकर आए और हम वाई एक्सिस पे लेकर आए. दो ही ऑप्शन है हमारे पास, आइदर वी ब्रिंग इट टू द एक्स एक्सिस और वी ब्रिंग इट टू द वाई एक्सिस. तो द लाइन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो इट इज बेटर टू मेक ब्रिंग द लाइन टू द एक्स एक्सिस. तो ये बेटर है कि हम एक्स एक्सिस पे लाइन को ले आए. तो इंटरसेप्ट चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो 0-0 ही ओरिजिन से ही पास कर रहा है, तो यूजुअली हम ट्रांसलेट करते हैं, उसकी जरूरत नहीं है. तो हम क्या करेंगे, द फर्स्ट ऑपरेशन विल बी रोटेट बाय -45 degree, राइट. रोटेट बाय -45 degree, राइट. सो इससे क्या होगा, एंगल इज 45, तो आप -45 करोगे तो लाइन अब एंगल बनाएगी 0 degree का. तो इस ऑपरेशन के बाद लाइन विल कम एट दी एक्स एक्सिस. उसके बाद सेकेंड ऑपरेशन क्या परफॉर्म करोगे, एम एक्स. एम मीन्स रिफ्लेक्शन अबाउट दी एक्स एक्सिस. उसके बाद लाइन को वापस लेके जाना है, यू आर एट 0 degree एंगल, यू विल अगेन रोटेट बाय 45 degree टू फॉर इट्स ओरिजिनल पोजिशन. उसको ओरिजिनल पोजिशन पे पहुंचा रहे हो. तो दीज 3 ऑपरेशन आर परफॉर्म इन रो मेजर, -45 ताकि लाइन ओरिजिन पे आ जाए. उसके बाद आप रिफ्लेक्शन करोगे अबाउट दी एक्स एक्सिस और फिर वापस लाइन को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लेकर जाना. यहां तक कोई डाउट बच्चे, यहां तक कोई डाउट? नो मैम. अब उसके बाद व्हाट यू डू इज यू हैव टू राइट द 3 मैट्रिसेस. अब ये ध्यान देना है बच्चे कि दिस इज -45, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज का फॉर्मूला लगेगा. And this is +45, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज का फॉर्मूला लगेगा. एंटी क्लॉकवाइज रो मेजर में देखो, cos, साइन, साइन, cos, ये सब में आता है 0-0-1, 0-0-1. जो एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी जो क्लॉकवाइज है उसमें माइनस यहाँ आ जाता है, क्लॉक में माइनस इधर आ जाता है. और अगर मैं बात कर रही हूँ एंटी क्लॉकवाइज की, तो एंटी क्लॉकवाइज में इट कम्स हेयर, द मेट्रिक्स रिमेन्स द सेम. देखो दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करो, एंटी क्लॉकवाइज है माइनस यहाँ आ रहा है, क्लॉकवाइज है माइनस यहाँ आ रहा है, अदरवाइज द फॉर्मूला इज द सेम. अब रिफ्लेक्शन अबाउट द एक्स एक्सिस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखो, उसके बाद वाई में -1 कर दो, यही बताया था. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिफ्लेक्शन अबाउट द एक्स एक्सिस. इन तीनों मैट्रिसेस में कोई डाउट? No, ma'am. Numerical में कोई भी डाउट है तो पूछो बेटा, नहीं तो we will move to the, I will give you a numerical to solve. Ma'am? हाँ जी पूछो बेटा. Ma'am, जो इसमें हमने x axis के पास रोटेट करा 45 डिग्री, हम मैम y axis के साथ भी कर सकते हैं ना? क्वेश्चन में mention था कि हम x axis के साथ ही करेंगे. You can definitely do that. ऐसा कुछ नहीं है, बट जो ऑप्शन हमें, जैसे अब हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन पढ़ी थी तो हमें पता था कि इसको यहाँ लाओगे तो इजी है. तो जो इजी ऑप्शन होता है ना, वर्टिकल लाइन पढ़ी उसको वाई पे लेकर गए तो वो इजियर है. तो जो तुम्हें ऑप्शन इजियर लगता है वो आप कर सकते हो. ऐसा कुछ नहीं है कि आप क्वेश्चन में गिवन होता है, आंसर सेम ही आता है बेटा, आंसर विल रिमेन द सेम, चाहे आप इधर से जाओ चाहे उधर से जाओ. ठीक है? यस मैम. तो लेट मी शेयर अ न्यूमेरिकल विद यू नाउ, आई एम शेयरिंग द व्हाइट बोर्ड. इसमें कोई और डाउट है बेटा किसी को? चलो आई एम गिविंग यू अ न्यूमेरिकल. वी आर गिवन अ ट्रायंगल विद पॉइंट्स This triangle has to be rotated by 45 degree
अबाउट अ पॉइंट पी वन वन. इसको ट्राई करो और मुझे स्टेप्स बताओ. पहले ट्राई करो, आई एम गिविंग यू टू मिनट्स एंड देन यू विल रेज हैंड्स. Anji, nobody has solved. I don't want you to solve the matrices. I just want you to tell me the steps. Ma'am, wo ho gaya. Ma'am, kar. Ek baar haath khada karo. Sanya has only raised hands. Jinko steps aate hain, please raise hands. Ma'am, matrix solve nahi karna na ma'am abhi. Na, Suraj. They know the steps actually. और किसी को steps नहीं पता. इतने numericals इस type के करा चुके हैं हम. और paper में 2D के numericals, Bresson M line, DDA, Bresson M circle, misprint circle सब आएगा बेटा. Only 4 students, दो तो CRE हैं इसमें से. चलो कोई नहीं. But at least they are trying. हाँ जी. सबसे पहला step क्या होगा सामने आप बताओ बेटा. And first will be translation. And about which point will we translate, Sanya? -1, -1 under both factors. Yes, because we have to rotate about a point P11. So translate 11 will be -1, -1. Or if you want ki hum sara kuch na likhe, to triangle ka matrix pehle dal do. ताकि लास्ट में मल्टीप्लाई ना करना पड़े. वो बाद में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो. देन यू कैन हैव ट्रांसलेट -1, -1. क्यों? क्योंकि आपको रोटेट करना है P11 से, उसको ओरिजिन पे खींच के लाना है. तो ट्रांसलेशन फैक्टर विल बी -1, -1. उसके बाद सानिया क्या करेंगे?
मैम देन रोटेशन अबाउट 45 डिग्री एंड एंटी क्लॉकवाइज होगा सिंस द एंगल इज पॉजिटिव राइट दिस इज एंटी क्लॉकवाइज बिकॉज द एंगल इज पॉजिटिव उसके बाद मैम ट्रांसलेशन अबाउट 1 1 ओके ट्रांसलेशन अबाउट 1 1 एंड उसके बाद कुछ करना है कि नहीं दैट्स इट नो मैम दैट्स इट Yes, that's it. Because 4 matrices we will have. Triangle ko karna hai. Phir we have to rotate about a point -1, -1. Toh P11 hai. Point kya given tha jiske about rotate karna hai? P11. Toh isko origin pe lana hai. So you have to move by -1, -1 taki aap origin pe chale jao. Uske baad rotate karna hai 45 degree angle se. Uske baad wapis original position pe point ko lekar jana hai. Aap origin pe ho. Aapko wapis jana hai. Toh 1-1 se translate ya move karoge. So these are my 4 steps. ठीक है अब matrices मुझे 1 by 1 सब बताएंगे साहेब आप बताओ first matrix triangle का matrix क्या बनाएंगे कैसे बनाएंगे triangle का matrix मैम triangle का matrix उसके points लेंगे ना 2 3 और फिर 1 then 5 5 1 फिर 4 3 1 yes बिकॉज ट्राइंगल के बेटा ये ए बी सी पॉइंट्स गिवन थे हम रो मेजर की बात कर रहे हैं तो लास्ट कॉलम में 1 आ जाएगा ठीक yes, है साहब आप मुझे नेक्स्ट मैट्रिक्स भी बता दो यस मैम टी माइनस 1 माइनस यस मैम ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स रो मेजर 1 0 0 0 1 0 -1 -1 1 Yes. So we write an identity matrix or last two values हमारी TX, TY होती हैं. So this is my translation का matrix. Suraj, आप मुझे third matrix बताओ rotation by 45 degree. Anti-clockwise, rho major. हाँ जी Suraj. Sorry, मैं mute था. I'm cos 45. -sin 45 नहीं 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 ये एंटी क्लॉकवाइज का फॉर्मूला है दोबारा सोचो सॉरी मैम सॉरी 0 0 1 तो आएगा 0 0 1 आएगा ठीक है अब आगे बताओ माइनस साइन कहाँ आएगा एंटी क्लॉकवाइज में मैं माइनस साइन सेकंड रो में आएगा सेकंड रो में आएगा यहाँ पे ठीक है सूरज थैंक यू सो दिस इज माय एंटी क्लॉकवाइज का फॉर्मूला ये ध्यान रखना बेटा एंटी क्लॉकवाइज में या माइनस आता है और क्लॉकवाइज में इधर आता है बस इतना ही सही डिफरेंस है अब हम बात करेंगे फोर्थ मैट्रिक्स के सूरज ट्रांसलेशन बाय 1 1 यस मैम 1 0 0 0 1 0 1 1 1 यस ट्रांसलेशन फैक्टर्स 1 1 तो ये 4 मैट्रिसेस हमने लिख लिए नाउ लेट मी शो यू द आउटपुट ये न्यूमेरिकल है इसको मत देखना इसमें कुछ गलती है ये फाइनल मैट्रिक्स है बेटा फर्स्ट ट्रायंगल का देन ट्रांसलेशन बाय -1 -1 देन रोटेशन बाय 45 डिग्री एंड ट्रांसलेशन बाय 1 1 सो दिस इज द फाइनल और पेपर में अगर उसने कोऑर्डिनेट्स नहीं पूछे इसने पूछा फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स सब तो आपको सॉल्व करके निकालना है अगर ऐसा कुछ नहीं पूछता तो यहां तक छोड़ सकते हो यूजुअली वो कोऑर्डिनेट्स पूछता है तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर में मैट्रिक्स सॉल्व करने का वो होता है ऑपरेशन तो उसमें आप सॉल्व कर सकते हो ठीक है तो दिस विल कम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन कम इन द एग्जाम चाहे रोटेशन के अबाउट रोटेशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट करना है चाहे रिफ्लेक्शन चाहे स्केलिंग ये तीनों टाइप के हम न्यूमेरिकल्स बेटा डिस्कस कर चुके हैं सो अच्छा इसमें कोई डाउट है तो पूछो इस न्यूमेरिकल में किसी को भी नहीं तो फिर आई विल स्टार्ट विथ 3D कितने बच्चे हैं हाँ आई विल स्टार्ट विथ 3D का वो पार्ट थोड़ा सा समझा देती हूँ बस आई वॉन्ट यू टू कम इन पार विथ CSE 1 वाला बैच ना दोनों बराबर हो जाएंगे चलो यू कैन ऑल अनरेज योर हैंड थैंक यू एंड लेट मी स्टॉप शेयर एंड शेयर अनदर डॉक्यूमेंट वी टॉक्ड अबाउट 3D का न्यूमेरिकल यस्टरडे That we had to align a vector v
अबाउट द पॉजिटिव जेड एक्सिस. ये वेक्टर वी गिवन था, इसको पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग के वेक्टर पे लाना था. कैसे लेकर आओगे इसको? वी हैव टू फर्स्ट परफॉर्म रोटेशन. अब मैंने आपको बोला दिस वेक्टर इज इन द सेंटर ऑफ योर रूम, तो इसको पहले आप एक दीवार के अलोंग लाना है, आपको एक दीवार के सेंटर में लाना है. तो उस दीवार के मतलब यू हैव टू ब्रिंग इट, द वेक्टर इज इन द सेंटर ऑफ द रूम एंड किसी एक दीवार के छत तक उसको लेके जाना है, फ्रॉम द कॉर्नर टू द रूफ. तो आपको पहले उस वॉल पे तो लाना पड़ेगा ना, उस वॉल पे लाना पड़ेगा. दैट्स व्हाई यू हैव टू, फर्स्ट स्टेप वाज टू ब्रिंग दिस वेक्टर वी इन द एक्स जेड प्लेन. इन द एक्स जेड प्लेन यू हैव टू ब्रिंग द वेक्टर. अभी वो एक्स वाई जेड प्लेन में है, तो उसको पहले आप एक्स जेड प्लेन में लाओगे. कैसे लाओगे? बाय रोटेटिंग टू एन एंगल थीटा वन एंड यू विल चेंज द वेक्टर वी टू वी वन. ये चीज हमने कल पढ़ी थी. ये वेक्टर वी को आप चेंज कर रहे हो वी वन, है ना? तो कैसे चेंज करोगे? बाय रोटेशन. मैंने आपको बोला कि एंगल क्या होगा रोटेशन का, थीटा वन, और आप जा रहे हो इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो थीटा वन पॉजिटिव होगा. क्यों? देखो वी से वी वन जा रहे हो, इसमें फॉर्मूला नहीं होता, बट एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट है. फॉर्मूला अलग अलग नहीं है, फॉर्मूला सेम है 3D में. तो मैं वी से वी वन जा रही हूं क्योंकि मुझे वेक्टर को एक्स वाई जेड, सॉरी एक्स जेड प्लेन में लाना है. ये एग्जैक्ट प्लेन है, इसके अंदर मुझे लाना है. तो मैं आई हैव रोटेटेड वी टू वी वन बाय एन एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल थीटा वन. यहां तक कोई डाउट? ये फर्स्ट स्टेप था बच्चे, दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप. अब मैं आगे समझाऊंगी. वन सेकेंड. तो पहला स्टेप तो ये था. अब एक चीज समझने वाली है कि सपोज ये वेक्टर है जो मेरे रूम में सेंटर में है और यहां से एक विंडो है जिससे लाइट आ रही है, तो इसकी शैडो वी वेक्टर की पीछे बनेगी. उसको मैं बोल रही हूं ओ पी डैश. तो मैंने बोला कि वी वेक्टर की जो शैडो है, वी हैज अ शैडो ओ पी डैश. इतना समय आया? क्यों? देखो सेंटर में आपका पॉइंट, आपकी वेक्टर सेंटर में है, यहां से लाइट पड़ेगी तो उसकी शैडो पिछली दीवार पे बनेगी, पिछली वॉल पे. तो उसको मैं बोल रही हूं ओपी डैश. यहां तक कोई डाउट कि वी की शैडो ओपी डैश है? अब बेटा वी को आप मूव कर रहे हो तो शैडो भी मूव होएगी ना. अगर वी से वी वन मूव हो रहा है थीटा वन एंगल से, तो शैडो भी मूव करेगी आपकी, तो इसकी भी अलग शैडो बनेगी. तो अगर वी मूव कर रहा है वी डैश पे, तो वी की शैडो क्या थी? ओपी डैश. वो भी मूव कर रही है टू ओबी. बोथ आर मूविंग बाय एन एंगल थीटा वन. मैंने क्या बोला कि माय वेक्टर हैज अ शैडो ओपी डैश. जब मैं वेक्टर को मूव कर रही हूं बाय वी वन, तो इसकी शैडो भी मूव हो रही है बाय ओबी. अगर वेक्टर मूव कर रहा है थीटा वन एंगल से, तो शैडो भी मूव कर रही है थीटा वन एंगल से. यहां तक कोई डाउट? शैडो का कॉन्सेप्ट सब में आया? Yes, ma'am. दोनों एंगल थीटा वन कैसे है वो समझ आए बेटा? अगर कुछ अगर ये समझ नहीं आएगा ना, आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. अभी तो मैंने पूरा न्यूमेरिकल दोबारा करवाऊंगी एक बार. इतना समय आया? तो मैंने ये बोला कि मेरी ये एंगल जो मेरा शैडो के बीच में है वो भी थीटा वन है. सब में आया? अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं. दोनों एंगल थीटा वन है, जो वी वी और वी वन के बीच में भी थीटा वन आ रहा है,
और उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग शेडोज हैं, जैसे वी की शेडो है ओपी डैश और वी वन की शेडो है ओ बी, उनके बीच में भी एंगल थीटा वन आ रहा है। अब इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, दिस ट्राइंगल इज वॉट ओ बी पी डैश। अगर इस ट्राइंगल में मैं कॉस टीटा निकाल रही हूं तो कॉस टीटा क्या आएगा मेरा और साइन टीटा वन क्या आएगा, ये मुझे बताओ। ये टीटा वन है, सॉरी नॉट टीटा, कॉस टीटा वन। ये एंगल कॉस टीटा है, टीटा वन है, तो मेरा पहले तो साइन टीटा वन क्या आएगा और कॉस टीटा वन क्या आएगा। ये मुझे बताओ। अब मुझे कुछ डायमेंशन के बारे में भी बताना है। कल मैंने बात करी थी कि यहाँ पे जो वेक्टर है ए बी सी, इट हैज ए हेयर, मतलब इन द एक्स एक्सिस ए डायमेंशन, बी डायमेंशन इन द वाई एक्सिस एंड सी डायमेंशन इन द जेड एक्सिस। तो ये तो सी ए वैल्यू तो दिख रही है, ये वैल्यू कौन सी है, दिस इज माई बी वैल्यू, है ना। इस ट्राइंगल की अगर बात करूं तो ये सी है, गिवन बी है, ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये बी है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी मेरी, हाइपोटेन्यूज रूट बी स्क्वायर। तो ट्राइंगल के हमें तीनों डायमेंशन बेटा क्लियर है, बी कौन सी लाइन है, सी कौन सी है, ये हमें सबको क्लियर है। तो अब इसके बाद मुझे ये बताओ कि सपोज आई हैव टू फाइंड द, इन दिस ट्राइंगल ये टीटा वन है और इस ट्राइंगल में मुझे कॉस टीटा और साइन टीटा दोनों निकालना है, मतलब कॉस टीटा वन भी निकालना है और साइन टीटा वन भी निकालना है। तो क्या वैल्यू आएगी साइन टीटा वन की, पहले पहले साइन टीटा वन की बात करूं। देखो साइन की वैल्यू क्या होती है, ऑपोजिट साइड इस टीटा, ये टीटा वन है तो ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ऑपोजिट साइड क्या है, बी बाय रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां तक कोई डाउट। ऐसे ही cos थीटा वन का क्या फॉर्मूला होता है, एडजेसेंट साइड बाय, ये एडजेसेंट साइड है एंगल की, तो एडजेसेंट साइड सी बाय रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट बच्चे, ये चीज क्लियर होगी हमें। तो हमें इतना पता चलेगा कि हमने v से v1 पे जाना है पहले स्टेप में, और v से v1 में रोटेशन करनी है, और cos थीटा और sin थीटा क्यों निकाला है, क्योंकि अगर आपको याद हो रोटेशन के फॉर्मूला में cos और sin थीटा निकालना पड़ता है ना, तो तभी मैंने ट्राइंगल से, इन ट्राइंगल ओ बी पी डैश से ये तीन दोनों वैल्यूज निकाल के रख ली। इतना क्लियर हो गया कि मैंने दोनों वैल्यूज निकालनी, क्यों निकाली, क्योंकि मेरे को रोटेट करना है v टू v1 बाय एंगल थीटा वन, ठीक है। अब रोटेशन के लिए cos थीटा वन sin थीटा वन जानना था, तो मैंने शैडो कंसिडर करी और ये एंगल से निकाल लिया, क्योंकि अगर मैं इस एंगल से निकालती तो कोई ट्राइंगल नहीं बनता, इसीलिए मैंने शैडो कंसिडर करी, ये भी समझना जरूरी है। अब मुझे ये बताओ कि तुमने जो 3D में फॉर्मूला पढ़े हैं वो तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज के पढ़े ही नहीं, हमने तो 3D में तीन फॉर्मूला पढ़े हैं, रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस, रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस, ये तीन फॉर्मूला पढ़े हैं। अब मैं एंटी क्लॉकवाइज तो जा रही हूँ, एंगल तो मेरा पॉजिटिव है, इतना मुझे पता चल गया, और मेरे को इसका फॉर्मूला नहीं पता कि कौन से एक्सिस से रोटेट करना है, कौन सा लगाऊं, ये या ये, तीन फॉर्मूला पढ़े ना हमने परम्यूटेशन कर करके, तो विच फॉर्मूला आई हैव टू अप्लाई। तो उसके लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जिस कोऑर्डिनेट में चेंज नहीं होता वो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। मैंने आपको बताया था एक्स डैश इज इक्वल टू, अगर गिवन इक्वेशंस में y डैश की कोई वैल्यू आ रही है, z डैश की वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब वी आर रोटेटिंग अबाउट x, क्यों, क्योंकि उसमें चेंज नहीं हो रहा। अगर y डैश इज इक्वल टू y गिवन है तो इसका मतलब उसमें चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसलिए हमने वो कोऑर्डिनेट देखना है जिसमें चेंज नहीं हो रहा, उसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो आपका एक v वेक्टर गिवन है, v के कोऑर्डिनेट्स क्या थे आपके, a b c, और v1 के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, वन सेकेंड लेट मी ज़ूम, ये v के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये v1 के हैं। ये कोऑर्डिनेट्स कैसे आए पहले तो ये समझ लेते हैं, v1 के कोऑर्डिनेट्स ये a ये क्यों आए। सबसे पहले तो आप आ गए हो x z प्लेन में,
तो वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो हो जाएगा वी वन का, ये तो आपको पता चल गया होगा। क्यों जीरो हो जाएगा? बिकॉज यू आर इन द एक्स जेड प्लेन, तो इसमें तो वाई होता ही नहीं है। दूसरा, एक्स की वैल्यू आपको दिख रही है ए, तो ये भी ए आएगा। अब हम बात करते हैं जेड की वैल्यू की, तो ये वेक्टर जो है ये जेड की वैल्यू जो है इसके अंदर जेड की वैल्यू क्या है? तो अगर आपको ध्यान हो तो ये किसकी किसकी वो है, दिस वी वन हैज कम फ्रॉम वी, दिस वी वन हैज कम फ्रॉम वी, इसकी जो शैडो थी दैट हैड लेंथ रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जब शैडो मूव करी तो पूरे वेक्टर की जेड डायमेंशन रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गई। देखो ये डिस्टेंस सी है, अगर मैं पूरी शैडो की बात करूं दैट इज रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस वी वन वेक्टर का भी डायमेंशन इन द जेड एक्सिस विल बी रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप क्या कर रहे हो, आप वी वन के तीनों कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हो इन द एक्स एक्सिस, इन द एक्स डायमेंशन, इन द वाई डायमेंशन, इन द जेड डायमेंशन। मैंने बोला कि आई एम इन द एक्स जेड प्लेन, मैं एक्स जेड प्लेन में हूं, तो मेरा वाई डायमेंशन तो डेफिनेटली जीरो होगा। एक्स, इसका एक्स डायमेंशन ए दिख रहा है आपको, इट इज ए। अब जेड डायमेंशन की बात करते हैं, जेड डायमेंशन का मतलब कि वेक्टर जेड एक्सिस में क्या डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब हमने देखा कि इसकी शैडो ये थी, इसकी शैडो की लेंथ यही थी और यही घूमकर थीटा वन एंगल बनाकर आई। तो अब ये जो पूरा डिस्टेंस है दैट विल बी माय जेड एक्सिस पे ही है ये डिस्टेंस, दिस इज जेड एक्सिस ओनली। तो ये पूरा डिस्टेंस क्या है, रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर पूरे वेक्टर की बात करें। तो वी वन बी अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस डायमेंशन रखेगा रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इतना समझ आया? इन तीनों डायमेंशन में कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर अब मैं रोटेशन की बात करूंगी। ओके, तो अब मुझे ये तुम लोग खुद बताओगे कि हम रोटेशन किस एक्सिस के अबाउट करेंगे। देखो V के डायमेंशन क्या है, ए बी सी, और V1 की डायमेंशन क्या आई, A जीरो रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ कि किसके अबाउट रोटेशन करोगे फ्रॉम V टू V1 बाय थीटा वन एंगल, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, रोटेशन अबाउट X एक्सिस, रोटेशन अबाउट Y एक्सिस, या रोटेशन अबाउट Z एक्सिस? मैंने आपको बोला Yes, क्यों? Because मैंने आपको बोला कि जब हम रोटेशन अबाउट एनी एक्सिस करते हैं तो वो वाली चीज कॉन्स्टेंट रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। अगर एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स है, वाई डैश की वैल्यू है, तो इसका मतलब वहां चेंज नहीं आ रहा, तो वी आर परफॉर्मिंग रोटेशन अबाउट दैट एक्सिस, है ना। सो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इसमें भी चेंज आ रहा है, इसमें भी चेंज आ रहा है। द ओनली चेंज विच यू हैव नॉट गॉट इज बाय ए और ए, तो एक्स डायमेंशन बिल्कुल सेम रह रहा है, एक्स डायमेंशन इज रिमेनिंग द सेम, बाकी डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, ओनली द एक्स डायमेंशन इज रिमेनिंग द सेम। इसीलिए अब हम फर्स्ट स्टेप में रोटेशन अबाउट फ्रॉम वी टू वी वन, वी विल रोटेट अबाउट एक्स एक्सिस by an angle theta one. First step में कोई भी doubt है तो पूछो। Is the first step clear? अभी से first step हमने clear करा है और इसका matrix लिखेंगे अगली class में, और second step करेंगे। बेटा 3D के बार बार, मैं एक पिछले कल भी मैंने बात बताई, 3D के न्यूमेरिकल्स आज तक नहीं आए, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, कभी नहीं आते हैं। ये नहीं कि मैं बता रही हूँ कि ऑनलाइन में नहीं दूंगी, बट ऑफलाइन में भी पेपर में 3D के न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। ज्यादा से ज्यादा कोई मैट्रिक्स लिखवा लेंगे हम रोटेशन वगैरह का, उससे ज्यादा नहीं आता है। तो इसको समझो
और इसको एक बार रीड जरूर करना, बट डोंट थिंक कि ये बहुत मुश्किल है यार, इसको पता नहीं कैसा आ जाएगा, इसके टाइप का कुछ अगर 1% आता है तो फिर ऐसा ही न्यूमेरिकल आएंगे जो किताब में है, कुछ ऐसा नहीं आएगा, कुछ डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट दैट. सो वी विल मीट ऑन मंडे, देन मंडे वी हैव अ क्लास. एंड थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग, मैं भूल ही गई थी, मैंने लिंक भेजना भी भूल गई, और सूरज ने सुबह मुझे रिमाइंड कराया, थैंक यू सूरज. मुझे रात को याद आया था, बट इट वॉज वेरी लेट, सो आई थॉट कि आई विल सेंड इन द मॉर्निंग, देन आई फॉरगॉट. चलो, वी विल मीट ऑन मंडे देन.